अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएचएम कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए आज 18 दिन हो चुके हैं जी। और जो इन्होंने 72 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी उसके बाद फिर से 72 घंटे की भूख हड़ताल कर दी गई है। अभी तक कोई भी प्रशासन हो या अधिकारी इनकी सुध तक लेने नहीं पहुँचा है यहाँ पर। आइए बातचीत करते हैं एनएचएम कर्मचारियों से। धरने पर बैठे हुए कितने दिन हो चुके हैं? आज हमारे 18वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई भी पहल नहीं की गई है। और हमारी जो मुख्य मांग है ये हमारी सेवा सुरक्षा के को लेकर, सरकार हमें सेवा सुरक्षा करने दे ताकि हम अपने मान सम्मान के साथ अपनी सेवाएँ हरियाणा की जनता को दे सकें। हम पिछले 72 घंटे से हम भूख हड़ताल पर चलते हैं और अगले और 72 घंटे के लिए हमने अपनी भूख हड़ताल को बढ़ा दिया। यदि सरकार अब भी हमारी तरफ नहीं देती, नहीं देता ही, तो हम अपनी भूख हड़ताल को आम आदमी तक ले जाने में कोई भी नहीं। अभी कोई अधिकारी या प्रशासन से यहाँ पर आया है? कोई भी ना प्रशासनिक अधिकारी कोई आया है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे बीच आया है। सरकार का यही उदासीन रवैया हमें और उग्र प्रदर्शन करने के लिए। हमारे साथ यहाँ प्रवीण जांगड़ा जी हैं जो समाज सेवी हैं, जो एनएचएम कर्मचारियों का यहाँ समर्थन देने पहुँचे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं समाज सेवी सर, बताएंगे जो आप यहाँ समर्थन देने पहुँचे हैं। देखिए, सरकार इनके साथ गलत व्यवहार कर रही है क्योंकि ये लोग समाज को सेवाएं दे रहे हैं। तो सरकार को भी देखना चाहिए कि कुछ इनकी जो मुख्य डिमांड है सेवा सुरक्षा, क्योंकि काफ़ी सालों से कुछ कर्मचारी लगे हुए और हमें भी पता है कई कई 10-10 साल हो चुके हैं जिन लोगों को, 12-12 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे अगर सरकार इनको निकाल दे? तो इनकी ये जायज़ मांग है, जायज़ डिमांड है कि इनको सेवा सुरक्षा दी जाए और हम भी इनके समर्थन में हैं कि इनकी ये डिमांड मानी जाए। सरकार इनकी डिमांड मानते हुए तुरंत इनको आश्वस्त करे और लागू करे ताकि ये अपने काम के लौट सके और जनता की सेवा कर सके। उनका कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी या प्रशासन हो कोई भी इन्हें अभी तक सुनने नहीं पहुंचा। सरकार का गलत रवैया है, प्रशासनिक अधिकारियों को इनके बीच पहुंचना चाहिए, इनको आश्वस्त करना चाहिए ताकि अपने काम पे लौटे और जनता की सेवा कर सके। बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल भी की हुई है, क्या करना चाहेंगे? ऐसा है, जब से धरने बैठा था 18वां दिन है मैडम, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल या सकारात्मक रवैया हमें देखने को नहीं मिला कि जिसकी वजह से हमें लगे कि हम बात हो सकती है, सरकार हमारे पक्ष में है। भूख हड़ताली बैठे हैं, इनकी तबीयत का लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन उनके प्रति भी ना यहाँ पर लोकल प्रशासन का और ना सरकार की तरफ से कुछ भी सकारात्मक अभी तक हमें नहीं मिला। और टर्मिनेशन सबका अधिकार जो भी यहाँ बैठे हैं उसके बाद तो और भी ज़्यादा जोश में हमारे कर्मचारी, क्योंकि अब कुछ डर वाली बात रही नहीं। तो ज़्यादा मतलब ये सरकार ने जो किया है कि टर्मिनेशन करके सबका और भी ज़्यादा लोगों में उत्साह भर दिया है और बिना किसी डर के डरी पे जब तक डटे रहेंगे जब तक कि हमारी जो मुख्य मांग है सेवा सुरक्षा नियम लागू नहीं कर रहे हैं। और ये हमारा हक है, ये कोई हमारी मांग ना कहते हम इसे हक कहेंगे, क्योंकि जो कर्मचारी जिस खास करके महिला कर्मचारी जो 22 साल से एक स्वास्थ्य विभाग में जो अपने आप में एक समाज सेवा का कार्य है उसमें लगी हुई है, अगर सरकार को उसकी ज़रूरत नहीं होती तो अब से पहले उसको हटा दिया गया होता, क्योंकि सरकार को उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसको ना तो उसके काम के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं और ना ही उसको उसकी सेवा का जो करती आ रही है कोई ऐसा नियम या ऐसा सुरक्षा उसको नहीं दी गई है कि वो आगे भी कितने साल तक अपनी सेवा यहाँ देती रहेगी। तो हमारा सबसे मेन मुख्य मुद्दा यही है कि सेवा सुरक्षा नियम जब तक लागू नहीं होते हम दरी पर डटे रहेंगे और हमारा अगर भूख हड़ताल ये 10-10 बैठे हैं, अगर मौका आया तो सारे के सारे जितने कर्मचारी दरी पर बैठे हैं सब के सब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप घूमने पर बैठे हुए हैं पिछले 18 दिनों से, तो इस दौरान जो एम्बुलेंस की सेवाएं हैं वो कौन कर रहा है? इसमें एम्बुलेंस की सेवाएं कोई नहीं कर रहा है, ये सरकारी जो सरकार है अधिकारी झूठे दे रहे हैं कि किसी को हमने लगा लिया है या सभी मरीज परेशान है, कोई नहीं एम्बुलेंस चल रही है, सारे एम्बुलेंस ड्राइवर EMT सारे तरीके ऊपर बैठे हैं। और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं जब तक ये हमारी अगर मांगे नहीं माने हम गरीब पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे हमें और 2 महीने इस गरीब पर बैठना चाहिए। और रही बात, हमें 8 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है, वो
झूठे वादे कर रही है कि हमने इतने करोड़ रुपए हमने दे दिए, लेकिन आज तक कोई भी रुपया हमारे खाते में आज एक रुपया भी नहीं आया है। हमारे बच्चे भी ऐसे बैठे, हम भी ऐसे बैठे, एक महीने से हम यहाँ बैठे हो गए। वो पता नहीं कितने दिन सरकार हमसे क्या क्या चाहती है, क्या कुछ करवाना चाहती है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक हम तरी पर ही बैठे रहेंगे। अभी हमने बात की थी एनएचएम कर्मचारियों से, जो उनका कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी हो या प्रशासन का अधिकारी कोई भी यहाँ उनकी सुख तक लेने नहीं पहुंचा है। अगर उनका ऐसा ही रवैया रहा तो आगे भी इनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।